आपको याद होगा कि पिछली सरकार के समय देश में महंगाई एक ऐसा मुद्दा था जिससे मध्यम वर्ग बहुत अधिक परेशान था, लेकिन आज रोजमर्रा की चीजों से जुड़ी महंगाई को काबू में रखा गया है। इलाज सस्ता हो रहा है, गरीब और मध्यम वर्ग के लिए घर खरीदने का सपना संभव हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कदम उठाए हैं उसके सकारात्मक परिणाम स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। इस चार वर्षों में हमने अपनी नीतियों से महंगाई दर को काबू में रखा है। इसी का असर है कि पिछली सरकार में महंगाई दर 10% के भी आगे था, वह अब 3 या 4% पर ही आकर के रुका हुआ है। पिछली सरकार में खाद्य पदार्थों की कीमतें सुरसा की तरह मुंह बाएं खड़ी थी, आज हमने उस पर काबू में रखने में सफलता पाई है। इसके अलावा जीएसटी के चलते हर महीने घरेलू उपयोग की जरूरी सामानों के दाम भी घटे हैं। हमारी सरकार ने ईमानदार करदाता को भी राहत दी है। बीते वर्षों में इनकम टैक्स पर छूट की सीमा बढ़ाने के साथ ही बचत पर मिलने वाली छूट की सीमा भी हमने बढ़ाई है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख रुपए है तो उसे 2013-14 में यानी पहले की सरकार में करीब 18,000 रुपया इनकम टैक्स भरना पड़ता था, जो आज 5,000 के करीब भरना पड़ता है। मतलब 18,000 के सामने उसको 5,000 देना पड़ता है। यही नहीं, सबसे निचले स्लैब को 10% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इसी प्रकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर योग्य इनकम की बेसिक छूट की सीमा भी बढ़ाई गई है, और जहां 2013-14 में 5 लाख की आय वाले वरिष्ठ नागरिक को जहां करीब 13,000 रुपए इनकम टैक्स भरना पड़ता था, आज सिर्फ 2,500 रुपए तक ही इनकम टैक्स भरना पड़ता है। आज नोटबंदी के बाद प्रॉपर्टी बाजार में काले धन का प्रवाह बंद हो गया है, जिससे कीमतें घटी हैं और घर खरीदना जो मध्यम वर्ग का सपना है वो पूरा होता दिख रहा है। पहले मध्यम वर्ग के लिए अपना घर खरीदना बहुत बड़ा सपना होता था, एक जीवन पूरा लग जाता था, तब शायद जाकर एक आशियाना बना पाता था। इसका बहुत बड़ा कारण था होम लोन की अत्यधिक ब्याज दर। पहले होम लोन पर ब्याज दर 10% से भी अधिक थी, जो आज घट करके करीब 9.25% रह गई है। यानी 30 लाख के लोन पर ईएमआई कम होने से सालाना करीब 35-40 हजार रुपए मध्यम वर्ग के परिवार की जेब में बचते हैं। यही नहीं, हमने मध्यम वर्ग को होम लोन में ब्याज पर सब्सिडी देने का भी काम किया है। होम लोन ही नहीं, एजुकेशन लोन और ऑटोमोबाइल लोन भी सस्ता हुआ है। पहले की यूपीए की सरकार के समय कार लोन पर ब्याज दर डबल डिजिट में थी, जो अब सिंगल डिजिट में 9% पर आ गई है। मध्यम वर्ग के लिए स्टूडेंट लोन पर ब्याज दर पहले 14% के आसपास थी, जो अब 10% के करीब है। यानी 4 लाख रुपए के एजुकेशन लोन पर ईएमआई में सालाना लगभग 10,000 से अधिक की बचत
हमारे मध्यम वर्गीय परिवार की जेब में हो रही है। एक मध्यम वर्गीय परिवार में यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो दवाइयां और इलाज के खर्चे पूरा परिवार टूट जाता है। हमारी सरकार ने अच्छी और सस्ती दवाओं के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले हैं। इस समय जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़कर 3,500 से भी अधिक तक पूरे देश में पहुंच चुकी है, जहां कई दवाएं 50% से भी कम कीमत पर मिलती है। यही नहीं, घुटना प्रत्यारोपण और हार्ट स्टेंट की कीमतें भी घटकर के 1/3 हो गई है। कुल मिलाकर के देखें तो मध्यम वर्ग की आवश्यकताओं से जुड़े हर क्षेत्र में हमारी सरकार ने लगातार राहत देने के रास्ते खोजे हैं, राहत देने का प्रयास किया है और मध्यम वर्गीय परिवार की जेब में जितना ज्यादा पैसा बच सके उसका प्रयास किया है। खाने पीने की चीजों से लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं तक, लोन से लेकर के आयकर तक, सरकार ने हर प्रकार से जीवन को आसान बनाने का भरसक प्रयास किया है। और ये मत भूलिए कि ये जो देश में नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, रेलवे स्टेशन सुधारे जा रहे हैं, बड़े बड़े शिक्षण संस्थान खुल रहे हैं, मोबाइल डेटा की कीमत कम हो रही है, इन सबका लाभ भी तो सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग को ही मिलता है। अरे मध्यम वर्ग का परिवार घर में एलईडी बल्ब लगा लेना तो बिजली के बिल में भी किसी का 50 रुपया, किसी का 100 रुपया, किसी का 500 रुपया हर महीना बचना शुरू हो जाता है। मैं इतनी लंबी सूची बता सकता हूं कि पहले की तुलना में इतने पैसों की बचत मध्यम वर्ग का परिवार कर सकता है। और इसलिए मुझे अच्छा लगा डॉक्टर आपने ऐसा सवाल पूछा कि मैं मन खोल करके अभी भी 1 घंटा इस पर बोल सकता हूं, लेकिन मुझे विश्वास है जितनी बातें मैंने बताई है वे नरेंद्र मोदी ऐप पर है। ऐसा नहीं है कि ये कोई सीक्रेट में आपको बता रहा हूं, बस आप उस नरेंद्र मोदी ऐप पर जाइए, देखिए, हर चीज मिल जाएगी और आगे बढ़ाइए। आज यहां सुनकर के ताली बजा करके जाना नहीं है, जो बातें हैं उसको आगे पहुंचाना है।